नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती रिजल्ट एंड रेस्पॉन्स की के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा चैनल निडीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं साथ ही अगर आप किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो रेलवे एस एस सी यूपी ट्रिपल एस सी एम पी एस सी आर पी एस सी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पर मिल ता रहेगा तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके राजस्थान टेक्निकल भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की तो यहाँ पर ये हमारे पास दोस्तों न्यूज़पेपर क्लिप है आप इसे देख सकते हैं टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा रेस्पॉन्स की के इंतजार में सोलह हजार राजस्थान डिस्कॉम में टेक्निकल हेल्पर भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा दे चुके सोलह हज़ार अभ्यर्थी तीन सप्ताह से रेस्पॉन्स की का इंतजार कर रहे हैं जबकि अभ्यर्थी आंसर की पर आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं लेकिन डिस्कॉम व एजेंसी के बीच आंसर की की आपत्तियों पर फैसला नहीं हो पाया है इस कारण अभ्यर्थियों की रेस्पॉन्स की अटक गई है रेस्पॉन्स की जारी होने के कारण परिणाम में देरी हो गई है टेक्निकल हेल्पर के पंद्रह सौ बारह पदों के लिए भर्ती हो रही है डिस्कॉम ने दस नवंबर से सोलह नवंबर तक प्रश्न पत्र व आंसर की पर आपत्तियां मांगी थी लेकिन एक आपत्ति का चार सौ रुपये होने के कारण आपत्तियां कम दर्ज हो पाई हैं आपत्तियों अभ्यर्थियों का आरोप है कि डिस्कॉम ने दो महीने बाद आंसर की जारी की है दो महीने पहले उत्तर याद रहने की संभावना बहुत कम रहती है ऐसे में रेस्पॉन्स की भी वेबसाइट पर अपलोड हो परिणाम जारी होने के बाद मेरिट लिस्ट व नियुक्ति में दो से तीन महीने का समय लग सकता है तो यहाँ पर दोस्तों अभी रेस्पॉन्स की आपकी जारी होगी उसके बाद रिज़ल्ट आएगा और रेस्पॉन्स की और रिज़ल्ट के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके दो से तीन महीने का समय बताया गया है रेस्पॉन्स की और रिज़ल्ट को लेकर तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ सकता है रेस्पॉन्स की के लिए और बाकी फिर आपके रिज़ल्ट के लिए भी बाकी दोस्तों ट्वीट कर यहाँ पर बताया जा रहा है राधा मीना ने ही बताया था कि आपका जो रिज़ल्ट है शायद इस हफ्ते जारी हो सकता है कि क्योंकि वहाँ पर आयोग में इस काम को लेकर दोस्तों पूरा बहुत तेज़ी से वर्क चल रहा है तो हो सकता है रिज़ल्ट आपका जल्दी आ जाए बाकी वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें इसी प्रकार की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें धन्यवाद